एक लड़का जो लड़की को बचपन से प्यार करता है, पर उस लड़की ने हमेशा उसे मैनिपुलेट ही किया। इनकी लव स्टोरी का अंत क्या होगा? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1998 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक छोटे से बच्चे को हम देखते हैं। इसका नाम है फिन। फिन फिशिंग करने के लिए आया हुआ था, वहीं पर वो ड्राइंग भी करता है। बड़ा होने के बाद फिन ही यह सब स्टोरी हमें बता रहा है। उसे पानी में कुछ दिखा और अचानक से एक आदमी उसे पकड़ लेता है। उसका मुंह उसने बंद कर दिया। वो कहता है, मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना, अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। फिन जब शांत हुआ तो उस आदमी ने उसे कहा, जाओ और मेरे लिए कुछ फूड वगैरह लेकर आओ। वो एक क्रिमिनल है जो जेल से भाग चुका है। अपने कब्ज खोलने के लिए उसे बोल्ट कटर की जरूरत थी। फिन बहुत ही डर जाता है और वैसे ही घर आ जाता है। बचपन में उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। अब वो अपनी सिस्टर और सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ रहता है। सिस्टर के बॉयफ्रेंड ने उसे पूछा कि कुछ अलग लग रहा है, क्या हुआ? फिन को लग रहा था कि सिस्टर के बॉयफ्रेंड को बता देना चाहिए, पर वो कुछ भी नहीं कहता। उस आदमी ने उसे खाना और बोल्ट कटर लाने के लिए कहा था। रात में फिन सब चीजें लेकर उस क्रिमिनल के पास पहुंच गया। उसने उसके लिए कुछ अल्कोहल, कुछ मेडिसिन भी लाई हुई थी। क्रिमिनल फिन से कहता है, मेरे साथ चलो, क्योंकि उसे फिन की बोट की जरूरत थी। इसी बोट पर बॉर्डर क्रॉस कर मैक्सिको जाने वाले थे, पर तभी अचानक से बॉर्डर की पुलिस ने इन्हें देख लिया। ये क्रिमिनल जल्दी से बोट से उतर जाता है और एक जगह पर जाकर रुक गया। पुलिस ने फिन से बात की, उससे पूछा, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? फिन कहता है कि मैं ऐसे ही हैंग आउट कर रहा हूँ। तो पुलिस उसे लेकर जाकर उसे घर छोड़ देते हैं। घर आने पर फिन अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम है जो, काम पर जाता है। इनके स्टेट के सबसे अमीर लेडी के घर पर इन्हें काम करने के लिए जाना था। जब ये लेडी यंग थी तो उसकी शादी में उसका ग्रूम उसे छोड़कर चला गया था। उसके बाद से वो पागल हो गई। इसी वजह से उसका घर तहस नहस पड़ा हुआ था। इसी का काम फिन और जो करने वाले थे। जो घर में गया और फिन बाहर ही रुक गया। वही गार्डन में फिन ने एक लड़की को नोटिस किया। वो अचानक से वहां से चली भी गई थी। जो घर में गया और उसके लिए पैसे रखे हुए थे। कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ा तो उस लेडी पर बहुत हंसता है। घर आने पर फिन की सिस्टर को उसी लेडी का कॉल आया था। वो लेडी फिन को अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेलने के लिए बुला रही थी। जो और फिन की सिस्टर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि फिन को अच्छे पैसे मिलेंगे। यही टीवी पर फिन देखता है कि वो क्रिमिनल पकड़ा जा चुका है। अगले दिन फिन उस लेडी के पास गया। इस लेडी का नाम था नोरा। वहां पर वो नोरा की ग्रैंड डॉटर एस्टेला से मिला, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। नोरा फिन से मिलती है और डायरेक्टली उसके साथ डांस करने लगती है। वो खुद बोर हो रही थी तो इसी वजह से उसने फिन को बुलवाया हुआ था। फिन कहता है, मैं डांस नहीं कर सकता, पर मुझे ड्राइंग आती है। नोरा ने उसे इनकरेज किया। वो एस्टेल का पोर्ट्रेट बनाने के लिए उसे कहती है। पोर्ट्रेट बनाते हुए वो उससे पूछती है, तुम्हें एस्टेल के बारे में क्या लगता है? फिन कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। नोरा कहती है, तुम अभी से उससे प्यार में हो, उससे प्यार करना मत, वो सिर्फ तुम्हारा दिल ही तोड़ेगी। तुम उसके पीछे पड़े रहोगे और वो हमेशा तुम्हें हर्ट करेगी। ये बात एक बच्चा समझ नहीं सकता। अब वो प्यार करता है तो करता है। इसके बाद फिन और एस्टेल जब नीचे आए तो घर में फाउंटेन चल रहा था। इसी फाउंटेन से एस्टेला पानी पीती है। उसने फिन को भी ट्राई करने के लिए कहा। फिन जब वे ट्राई कर रहा था तभी एस्टेला उसे किस कर लेती है। उसे बहुत अच्छा लगा। इस मूमेंट को कैप्चर करने के लिए घर जाकर वो इसकी पेंटिंग बनाता है। इसके बाद एक दिन उसकी सिस्टर उसे छोड़कर चली गई और कभी भी वापस नहीं आई। सिस्टर के बॉयफ्रेंड ने हमेशा फिन का ख्याल रखा। उन्होंने सिस्टर के बारे में बाद में कभी भी बात नहीं की। फिन और एस्टेला एक साथ घुल मिलने लग गए थे। इसी तरीके से ये दोनों बड़े हो गए। एक दिन एस्टेला को पार्टी में जाना था, पर नोरा उसे मना कर रही थी क्योंकि पार्टी होने के बाद उसे वापस लाने के लिए कोई भी नहीं था। फिन कहता है, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। एस्टेला को सही नहीं लगता, पर वहां जाने का उसका यही ऑप्शन था। इस पार्टी के लिए फिन बहुत एक्साइटेड हो गया। अच्छा सा सूट वगैरह पहनकर जब वो इस पार्टी में पहुंचा तो गेस्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं है। एस्टेला ने जानबूझकर किया था, पर वो पार्टी में बोर हो चुकी थी तो बाहर आकर फिन से मिलती है। कहती है, मुझे कहीं लेकर चलो। फिन फिर उसे अपने घर लेकर आया। फिन ने बनाए हुए सारे ड्रॉइंग्स उसने देखे, उसे बहुत ही अच्छे लगे। वो कहती है, तुम्हें न्यूयॉर्क जाना चाहिए, सारे आर्टिस्ट वही जाते हैं। अगर इस टाउन में रहे तो तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा।
इन्हीं ड्राइंग्स में उसने अपने खुद की भी पेंटिंग नोटिस की। वो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, उसके हेयर्स भी अलग थे। वो फिन से पूछती है, क्या तुम्हें मेरे हेयर्स इस तरीके से अच्छे लगते हैं? फिन ने हाँ कहा। वो कहती है, तुम्हें और क्या अच्छा लगता है? वो उसके पास आके फिन उसे टच करने लगता है। एस्टेला ने उसे किस कर लिया, तुरंत बाद उससे वो दूर चली गई। फिन कहता है कि हुआ क्या, उसे लेट हो चुका था तो अब घर जाना था। कुछ फ्रेंच में बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। बचपन से लेकर आज तक फिन को इसी तरीके से वो ट्रीट करती है, कभी उसके बहुत ही करीब आ गए तो बहुत दूर चली गई। एक दिन जब फिन एस्टेला से मिलने के लिए उसके घर पर आया तो आसपास कहीं भी नहीं थी। नोरा ने फिन से बात की, कहती है, मेरी शादी में मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया था, वो ऐसा कर कैसे सकता था, आदमी बहुत ही घटिया होते हैं, उन्हें उसके लिए भुगतना पड़ेगा। मैंने जो गलती की एस्टेला कभी भी नहीं करेगी। उसने फिन को बताया कि अपनी एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड चली जा चुकी है। एस्टेला ने फिन को इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था। फिन बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है, उसकी प्यार से फेथ चली गई थी। अपने आप को उसने काम में डाल दिया, पेंटिंग करना भी छोड़ दिया था। वो कहता है, अब मैं खुद को खड़ा करूंगा। अच्छे से उसने फिशिंग वगैरह सीखी। जैसे टाइम बीतता गया वैसे वो इमोशनली स्टेबल था। एक दिन अचानक से एक लॉयर उसके पास आता है। उसने उसे कहा, मेरे एम्प्लॉयर ने तुम्हारी कुछ पेंटिंग्स देखी है, वो तुम्हें न्यूयॉर्क बुलाना चाहता है, तुम्हारा एग्जीबिशन रखना चाहता है। फिन को लगता है कि आदमी फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, पर उस लॉयर ने उसे डायरेक्टली $1,000 और फ्लाइट टिकट दे दिया। एस्टेला के जाने के बाद फिन ने पेंटिंग्स छोड़ दी थी। अब वो ये काम नहीं करना चाहता था, पर थोड़ा सोचने के बाद इसके लिए रेडी हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब अरेंज करने वाली नोरा ही होगी, तो उसे मिलने के लिए हो गया। उसने उसे कहा कि मेरा न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन है। फिन को पता था कि एस्टेल भी न्यूयॉर्क में ही है, तो नोरा से पूछता है, क्या वहाँ मुझे जाना चाहिए, मेरा आर्ट एग्जीबिशन है। नोरा कहती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम ही मिलती है, तुम्हें ले लेना चाहिए, अपने एग्जीबिशन के लिए मुझे भी इन्वाइट करना। इसके बाद फिर फिन न्यूयॉर्क में पहुंच गया। फिन का एग्जीबिशन तो है पर उसके पास कोई भी पेंटिंग नहीं थी। वो पेंटिंग करने के लिए डर रहा था, वो सोच रहा था कि लोग उसके काम को जज करेंगे। आर्ट गैलरी की मैनेजर उसे कहती है, मुझमें तुम्हें आर्टिस्ट दिखता है, तुम्हारे पास 8 वीक्स है, इसमें कुछ तुम ड्रॉ कर सकते हो, या सेकंड ऑप्शन या न्यूयॉर्क में घूम लो, जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ। फिन को अपने आप को प्रूव करना था तो चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेता है। जब उसने ड्रॉ करने की कोशिश की तो पहले जिस तरीके से करता था वैसे फिर से करने लग गया। फिन रियलाइज करता है कि उसके पास एक गिफ्ट है, ये उसने इग्नोर किया था, पर ये फिर से उसके पास वापस आ रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा। एक जगह पर उसने फाउंटेन का टैप देखा, जिस तरीके से पानी पीते हुए एस्टेल के साथ उसकी फर्स्ट किस हुई थी उसी तरीके से यह पानी पीने लग जाता है। फिर से एस्टेल उसी के साथ पानी पीती है। इतने सालों बाद ये फिर से मिले, एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। एस्टेल ने फिन को कल एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन एक्साइटेड होकर फिन वहां पर पहुंच गया। एस्टेला फिन को अपने सब फ्रेंड्स से मिलवाती है, पर इस फ्रेंड्स में से एक उसका बॉयफ्रेंड था। फिन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए एस्टेला ने कहा कि मेरा बचपन का प्यार है, बचपन में वो मेरी ड्राइंग बनाया करता था। एस्टेला आप चाहती है कि फिन उसकी फिर से ड्राइंग बनाए। बॉयफ्रेंड ये सब चीजें देखकर नर्वस हो गया था। एक दिन ऐसे ही बिना बताए एस्टेल फिन के घर पर पहुंच गई, उसे उसकी पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहती है, पर वो न्यूड हो गई। फिन भी उसकी बहुत सारी ड्राइंग्स बनाता है, जितना टाइम उसके साथ थी वो ड्रॉ ही करता रहा। एस्टेला को कुछ और काम था तो बिना कुछ बोले ही वहां से जा रही थी। उसके पीछे पीछे भागा, उसने पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती क्यों हो, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? एस्टेला ने कहा कि बचपन से मुझे एक ही बात पता है, ये सारा वर्ल्ड मेरा एनिमी है, उसे लाइफ में कुछ भी होप मिलने नहीं वाला। फिन कहता है कि तुम अपने बारे में बहुत ही गलत सोचती हो, तुम भी फील करती हो होपफुल हो, मैंने सारी चीजें तुम में देखी है। एस्टेला ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ। एस्टेला को ये सब चीजें सही नहीं लगती, उसे लगता है कि लोग कभी भी बदलते नहीं। इसके बाद जब फिन घर पर था तो एस्टेला का बॉयफ्रेंड उसके पास आया। उसने एस्टेला की न्यू ड्राइंग्स वहां देखी। वो कहता है, एस्टेला मुझे जेलस कराने के लिए सब कुछ चीजें कर रही है, मैंने अब तक उसे शादी के लिए नहीं पूछा। वो फिन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, मुझे प्रपोज करना चाहिए? फिन उसे हाँ कह देता है, वो और कुछ भी बोल नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में फिन को उसके एग्जीबिशन के मैनेजर ने बुलाया हुआ था।
उसे बहुत ही बड़ा स्टूडियो दे दिया। फिन भी एक्साइटेड था। वो कहता है सारे न्यूयॉर्क में मेरी पब्लिसिटी होनी चाहिए। हमेशा उसने इस वर्ल्ड से कुछ भी मांगा नहीं था और अब उसे सब कुछ चाहिए था। उसे लगता है नोरा ने एक ही रीजन की वजह से उसे न्यूयॉर्क भेजा, वो होगा कि वो एस्टेल की बराबरी का बन सके, सक्सेसफुल हो सके। एक दिन फिन और एस्टेल ये दोनों पार्क में आए हुए थे। इन्होंने बहुत सारी बातें की। इसके बाद एस्टेला फिन से कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया। फिन इस बात से हर्ट हो जाता है, पूछता है तुम ये सब चीजें मुझे क्यों बता रही हो। वो गुस्सा था क्योंकि एस्टेला इसी तरीके से हमेशा उसे प्ले करती है। एस्टेला कहती है मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हूँ। फिन गुस्से में उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह देता है। रात में उसने रियलाइज किया कि उसे ऐसा उसे कहना नहीं चाहिए था। वो इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता। हर जगह पर उसने उसे ढूंढा। एस्टेला अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक डेट पर गई हुई थी, वहीं पर वो पहुंच गया। बॉयफ्रेंड के सामने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है, फिर डायरेक्टली अपने घर लेकर आया। ये दोनों इंटीमेट हो गए। रात में एस्टेला उसे दूर जाकर बैठी थी। फिन पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है मुझे नोरा से मिलकर आना पड़ेगा। फिन कहता है कि मेरी एग्जीबिशन तक तुम वापस आ जाओगी। एस्टेला कहती है मैं तुम्हारा एग्जीबिशन मिस नहीं कर सकती। इसके बाद बहुत दिन हो गए, फिन का एस्टेला से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। एग्जीबिशन का डे आ जाता है। यहाँ पर हर जगह वो एस्टेला को ही ढूंढ रहा था। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। तभी जो ने आकर उसे सरप्राइज किया। फिन सरप्राइज तो था पर फिर भी एस्टेला की वजह से वो डिस्टर्ब था। यहाँ इस पार्टी में जो सबसे मिलता है। जो के कपड़े फिन को अच्छे नहीं लगे। जो बहुत ही प्राउड थे, वो सबसे कह रहे थे कि फिन बहुत ही छोटे से टाउन से है पर फिर भी इतने बड़े शहर में इतना बड़ा एग्जीबिशन उसका है। फिन नहीं चाहता था उसे कोई भी जज करे, इसलिए वो एम्बेरस्ड हो जाता है। यही बातें करते करते जो एक वेटर से टकरा गया। सारी चीजें नीचे गिर गई थी। ये उठाने के लिए जो हेल्प कर रहा था, फिन कहता है कि इसे रहने दो, पर जो मानता नहीं। तो इस बात पर फिन डायरेक्टली उस पर चिल्ला पड़ा। फिन को जो लगता है ये जो ने रियलाइज किया। वो बेचारे हार्ट ब्रोकन थे। फिन उनके पीछे गया पर वो कहते हैं जो भी तुम्हें सक्सेस मिला है ये तुम डिजर्व करते हो। इसके बाद वो यहाँ से चले गए। फिन का एग्जीबिशन बहुत ही सक्सेसफुल था। उसकी सारी पेंटिंग सोल्ड हो गई। वो मिलीनियर बन चुका था। वो हमसे कहता है कि मैंने सब कुछ तो पा लिया पर फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। जिन लोगों से मैं प्यार करता था उन्हें मैंने हर्ट कर दिया। रात में वो फिर एस्टेला के घर पर पहुंच गया। बाहर खिड़की पर उसे उसकी शैडो देखी। वो चिल्लाता है कि देखो अब मैं अमीर बन गया। क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए था? मुझ में जो भी स्पेशल है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। वो फिर ऊपर आ जाता है। खिड़की में एस्टेल नहीं तो नोरा थी। फिन ने पूछा कि एस्टेल कहाँ है। नोरा ने कहा कि उसकी शादी हो गई। नोरा ने फिर उसे सब कुछ रियलिटी बताए। वो कहती है कि आदमियों को किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से मैनिपुलेट होकर है, यही ट्रेनिंग में बचपन से एस्टेल को दे रही थी। तुम सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस थे। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि उससे प्यार मत करना, वो तुम्हारा दिल ही तोड़ेगी। जब तुम न्यूयॉर्क में आए तब उसका बॉयफ्रेंड उसे कमिट नहीं कर रहा था। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप का प्रिटेंड करने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को उसकी गलती रियलाइज हुई। मैरिज करने के लिए भी उसने सिर्फ तुम्हें यूज किया। फिन को यह सब सुनकर बहुत दर्द हुआ। वो नोरा के पास आता है। उसका हाथ उसने अपने दिल पर रखने के लिए कहा। वो कहता है अब मेरा दिल टूट चुका है। जिस तरीके से नोरा का फियांस उसे छोड़ कर गया था उस हार्ट ब्रेक में वो पागल हो गई, उसी तरीके से फिन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है। नोरा ने अपनी गलती रियलाइज की, उसे बहुत बुरा लगा पर अब बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। एस्टेल अपने हस्बैंड के साथ एक अलग कंट्री में चली जाती है। आज रात जब फिन अपने घर पर आया तो नीचे कुछ लोग एक आदमी का वेट कर रहे थे। इनकी बातों से उसे पता चला कि उस आदमी को मार डालेंगे। एक आदमी बिल्डिंग में छुप रहा था तो फिन ने उसे अपने घर में आने के लिए कहा। हम देखते हैं कि आदमी वही क्रिमिनल है जिसे बचपन में फिन ने हेल्प की थी। फिन उसे फर्स्टली पहचान नहीं पाता। फिन से बात करने के बाद, सक्सेस जानने के बाद ये क्रिमिनल उस पर बहुत ही ज्यादा प्राउड था। फिन ने अभी भी उसे पहचाना नहीं था तो ये क्रिमिनल बचपन में उसने फिन को जिस तरीके से पकड़ा था उसी तरीके से फिर से पकड़ लेता है। फिन ने उसकी आंखों से उसे पहचान लिया। फिन आज भी उससे बहुत डर रहा था। उसे जाने के लिए कहता है। क्रिमिनल ने कहा मैंने पुलिस को कॉल किया, थोड़े टाइम में यहाँ से मैं चला जाऊंगा। क्रिमिनल ने सारी पेंटिंग्स देखी, उसमें फिन ने उसकी भी एक पेंटिंग बनाई हुई थी। वो कहता है
तुम कितने बड़े हो चुके हो, मैं तुम पर बहुत ही प्राउड हूँ। जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि लॉयर ने बहुत अच्छा काम किया। ये उसी लॉयर के बारे में बात कर रहा था जिसकी वजह से फिन आज यहाँ है। फिन को क्लियर हो जाता है कि इसी क्रिमिनल ने उसे सारे पैसे दिए थे। वो फिर उसके साथ गया, कहता है हम पीछे के दरवाजे से निकल सकते हैं। क्रिमिनल कहता है कि अब मैं पेरिस जाने वाला हूँ, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। वो जाने के लिए एक्साइटेड था। ये चलते चलते स्टेशन पर आए, पर जो लोग क्रिमिनल को ढूंढ रहे थे वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे। ये जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। क्रिमिनल कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए, हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। पर तभी हम देखते हैं जो लोग उसे ढूंढ रहे थे ये ट्रेन में भी चढ़ चुके थे। ये आकर क्रिमिनल को मार डालते हैं। मरते मरते क्रिमिनल सब कुछ बताता है, कहता है मैंने लाइफ में बहुत सारी गलत चीज़ें की, पर सिर्फ एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, तुम्हें न्यूयॉर्क भेजना। मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, ये सारे मैंने तुम्हें दे दिए हैं। हमेशा तुम आर्टिस्ट की लाइफ जीना। इसका मतलब है फिन का सारा आर्ट एक क्रिमिनल ने ही बाय किया था। एक इलीगल वे से अपने सारे पैसे उसने फिन को दे दिए। फिन की बचपन की ड्राइंग बुक आज भी क्रिमिनल के पास थी। उसे पता था कि बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। उसने फिन का टैलेंट बचपन में पहचान लिया था। फिन को बहुत बुरा लगा। उसी के पास क्रिमिनल की डेथ हो गई। आज फिन का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था, पर उसे यह भी पता चला कि लाइफ ने उसे और एक चांस दिया है। पर क्रिमिनल चाहता था कि फिन हमेशा खुश रहे, वो उस पर प्राउड था। फिर इसके बाद फिन अपने घर पर जाता है, जो को उसने हर्ट किया था उसके पास फिर से वापस जाकर अपनी रिलेशनशिप सुधार लेता है। जो पर भी अब फिन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो उसने भी अपनी न्यू फैमिली क्रिएट कर ली है, वो भी खुश था। इसके बाद फिन पेरिस चला गया था। बहुत सालों बाद जब वो फिर से अपने टाउन में वापस आया तो फिर से नोरा का हाउस देखने के लिए जाता है। उसकी अपडेट हो चुकी थी, इस जगह पर कुछ और बनने वाला था। जिस गार्डन में एस्टेल उसे फर्स्ट टाइम मिली थी उसी पर उसे याद करता है। पर तभी एक छोटी सी लड़की वहाँ खेल रही थी, उसी का पीछा उसने किया। वो एक्चुअल में एस्टेल की बेटी है। एस्टेल भी इस घर को लास्ट टाइम देखने के लिए आई हुई थी। फिन को पता चलता है कि एस्टेल का अब डिवोर्स हो चुका है। एस्टेल फिन से मिलकर खुश थी। फिन अब और भी फेमस आर्टिस्ट बन चुका है। उसे कहती है आजकल मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी। उसने उसके साथ जो भी किया ये सारी चीज़ें उसे रिग्रेट कर दिया। वो पूछती है क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर सकते हो। फिन कहता है क्या तुम मुझे जानती नहीं, वो हमेशा उसे प्यार करता रहा है, वो कभी भी उस पर गुस्सा नहीं हो सकता। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब ये फर्स्ट टाइम रियलिटी में एक साथ थे। इसके पीछे और कोई प्लान नहीं था। यही पर यह मूवी एंड हो जाती है। एस्टेल एक फॉल्टी कैरेक्टर थी, पर फिन ने उसे हमेशा बहुत प्यार किया। धोखा होने के बाद भी फिन फाइनली उसे माफ कर ही देता है। एस्टेल जैसी भी हो ये फिन के लिए कंप्लीट है। ये स्टोरी जब वो बता रहा था तो उसे लगता है कि उसका एस्टेल के लिए प्यार यही इनफ है, उसे प्यार करे या नहीं। फाइनली अपने प्यार की जर्नी में उसे एक राहत मिली। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।